हेलो दोस्तों, मैं रविका मुंगमाई अपने चैनल यंग वाइट थ्री में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो हमारा लास्ट वीडियो के जो हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे, हम रेसिस्टेंट बैंड के ऊपर हमारे वीडियो बन रहे थे, उसमें हमने चेस्ट का वर्कआउट किया था और फिर हमने लेग्स का वर्कआउट किया। तो आज हम शोल्डर का वर्कआउट करने वाले हैं उन्हीं बैंड की मदद से, ठीक। और तब इनके ऊपर वीडियो बनाने का एक विशेष उद्देश्य मेरा यही है कि हम अपने वर्कआउट को एक होम पर्पज में ना किस तरह ला सकते हैं, अगर हमारे जिम क्लोज हैं या बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे पास वेट नहीं है, डंबल नहीं है, ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, तो इन सब समस्याओं के हिसाब से ही मैं ये सीरीज बना रहा हूँ अपनी, नो एक्सक्यूजेज वाली। तो फिर इसमें मैंने इसी तरह के वीडियो को अपने चैनल में डाला है और बना भी मैं इसी तरह से रहा हूँ। अभी जिम खुले नहीं है तो मैं भी अकेले आता हूँ, तो कभी कभार किसी को अपने साथ लाता हूँ, एक पार्टनर को, तो वर्कआउट वगैरह हो नहीं पाता है। तो हम भी इन्हीं में ही वर्कआउट कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों के लिए भी इसी के वीडियो बनाए जाएँ, ठीक है। तो फिर इसी के उसमें ही आज हम फिर शोल्डर का वर्कआउट करेंगे, तो कम्प्लीट एक शोल्डर वर्कआउट होगा। तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक कमेंट शेयर आपके आने चाहिए, जिससे हमें ऐसा होता रहे मालूम कि हमारा काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग खुश हैं कि नहीं है, या हमें अपने काम में किस तरह से क्या और मतलब बदलाव करने चाहिए जो इन फ्यूचर हमारे लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आए, ठीक है। तो जो भी चैनल में नए हैं, वो अगर आज पहली बार आए हैं इस चैनल में, तो उन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह का कंटेंट आपको मिलेगा और हर दिन मिलेगा, आगे हो सके हर दिन मिले, क्योंकि हर दिन आना होता नहीं है जिम में, इसलिए एक दिन छोड़ के एक वीडियो डालता हूँ मैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है सब्सक्राइब, वो लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करें, और अपने लोगों के साथ शेयर करें जो इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड रहते हैं। अभी बहुत सारे उन पर आने वाले हैं वीडियो, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। शोल्डर की एक्सरसाइज होंगी हमारी बैंड के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं शोल्डर का, ठीक है। उसके लिए आप इस तरह से बैठ लो, ठीक है, या आपकी रियर डेड की एक्सरसाइज की है, आगे जाके एक्सरसाइज भी आएगी। अभी केवल वार्म अप के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 12 रैप निकालिए आप, फिर आप इसको ऐसे पीछे ले जाइए और आगे जाइए, वार्म अप बहुत जरूरी है, वार्म अप से हमारी मसल एक्टिवेट हो जाती है, हमने जिस मसल का वर्कआउट करना है वो मसल एक्टिवेट हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वार्म अप आप मिस करते हैं तो आपके इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए वार्म अप कभी भी आप मिस मत करिए। आप चाहे ऐप्स का ही वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे हैं, एक छोटा उछल कूद का वर्कआउट क्यों ना कर रहे हो, पर वार्म अप बहुत ज़्यादा जरूरी है, इग्नोर कभी मत करना, ठीक है। ये दो हो गए, अब तीसरा है कैट काउ कर सकते हैं आप, स्टार्ट करते हैं अपना शोल्डर का वार्म अप।
तो स्टार्टिंग एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा शोल्डर प्रेस। हमारी शोल्डर प्रेस हो गई, इसको आप सिंगल आर्म भी कर सकते हैं। ये हमने हमारी शोल्डर प्रेस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लेट टू रेज। एक पांव से बैंड को दबा दीजिए, आगे बढ़ा देना पांव को यूं करके, ठीक। ठीक है, ऐसे दूसरे पांव से करेंगे। ठीक, ये हो गई लेटर रेज सिंगल आर्म। और अगर हमें इसको थोड़ा देखिए, मैं सिंगल आर्म की एक्सरसाइज है इसलिए कराता हूँ क्योंकि सिंगल आर्म की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम एक बार से वेट उठा रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है पता कि हमारी हमारी किस साइड से कितनी पावर लग रही है। अगर आप सिंगल आर्म की एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी आपका जो सुलटा हाथ होगा, जो हाथ से आप मतलब अपने सारे काम करते हैं, ठीक है, मैंने लिखना अदर काम जो भी है जो हाथ से आप करते हैं, वो हाथ आपका ज़्यादा एक्टिव होगा तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, आपके बजाय उल्टे हाथ के। इसलिए अगर आप दोनों हाथों को अलग अलग करके कभी कभी सिंगल आर्म की एक्सरसाइज ऐड करेंगे तो दोनों में सिमेट्री के चांस बढ़ जाते हैं, आप सिमेट्री उन पर अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए दोनों हाथों से भी एक्सरसाइज करा कीजिए, जब आप डंबल शोल्डर प्रेस लगाते हैं या जो भी करते हैं दोनों हाथों से लगाने के बजाय कभी कभार आप सिंगल आर्म से भी लगाया करिए। ऐसे जब आप चेस्ट में भी करते हैं तो सिंगल आर्म की चेस्ट प्रेस भी जरूर कीजिए, इससे आपके दोनों साइड इक्वली स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी और आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी साइड ज़्यादा स्ट्रांग है कौन सी वीक है। आप वीक तो आप अपनी वीक साइड पे अच्छे से काम कर सकते हैं, इसलिए मैं सिंगल आर्म की एक्सरसाइज ऐड जरूर करता हूँ अपने हर वर्कआउट में, चाहे लेग्स हो चाहे शोल्डर हो चाहे चेस्ट हो चाहे आर्म्स हो, मैं सिंगल आर्म जरूर जोड़ता हूँ और आपको भी जोड़नी चाहिए। चलिए अब लेटर रेज का दोनों हाथ से करते हैं, ऐसे पांव से दबा दीजिए, ठीक। अब इसको घूम खींचिए, ये थोड़ा टफ हो जाएगी क्योंकि हम पे एक ही बैंड है और दोनों हाथ से खींचेगा तो थोड़ा टाइट होकर खींचेगा, ठीक है। ये हो गया आपकी लेटरल रेज। अब हम करेंगे फ्रंट रेज। तो फ्रंट रेज की वैसी अगर आपको सिंगल आर्म करनी हो तो यूं हाथ बढ़ा के
अब इसी को आप अपना बोथ हैंड से भी कर सकते हैं। हाथों को शोल्डर की सीध तक लाना है, लेटरल रेज हो चाहे फ्रंट रेज हो, हाथों को शोल्डर की सीध तक लाना है आपने। एल्बो आपकी लॉक हो जाएगी, एल्बो की वो खोलना नहीं है, एल्बो लॉक हो जाएगी। पूरा आपका ध्यान रोटेटर कफ में होना चाहिए, यहाँ से आपने वेट को उठाना है रोटेटर कफ से, ठीक है। अब हम रोटेटर कफ की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये है
या आपके आपके मिडिल ट्रैप को भी फोकस करेंगे, रियर ट्रैप को भी फोकस करेंगे। मिडिल ट्रैप हमारे नेक के नीचे का पोर्शन होता है, ठीक। और अगर आप इसको अपने फोर हेड पे ले आते हैं तो आपके रियर हेड पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो आपके ट्रैप पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अगर आप फोर हेड पे लाते हैं यहां पर। अब आपकी रियर हेड पे काम करेंगे, ठीक है। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज में से एक है सर्ज। मैंने ट्रैप भी जोड़ दिया शोल्डर के साथ क्योंकि जुड़ा हुआ मोमेंट ही रहता है ज्यादातर। बहुत सारी रियर की एक्सरसाइज में आपके मिनी ट्रैप भी हिट हो जाते हैं, इसे मैंने ट्रैपेजियस मसल भी हिट इसके साथ ऐड कर दिए, ठीक है। आप ट्रैपेजियस मसल को आप अपनी बैक की एक्सरसाइज के साथ ऐड कर सकते हैं। अपने शोल्डर के हिसाब से पांव थोड़ा रख लीजिए, अब पूरा ऊपर खींच दीजिए, ठीक है। अब आपने ट्रैप खींच, ठीक। ये हो गई आपकी ट्रैपेजियस, ठीक है। ट्रैप की एक्सरसाइज है। अगर आपको फ्रंट से दिखाऊं, जितना आप पांव को वाइड करेंगे उतना बैंड छोटा हो जाएगा, जितना छोटा होगा उतना खिंचाव बढ़ जाएगा, ठीक है। खड़े होके ट्रैप खींच, कंधे खींचने ऊपर, हाथों से नहीं खींचना, यूं ऐसे नहीं खींचना, कंधों से, कंधों पर ध्यान रखना। अब हो गया हमारा हमारा वर्कआउट पूरा। हमने शोल्डर के तीनों हेड हिट किए, हमने अपने ट्रैपेजियस को मिडिल और अपर ट्रैप दोनों हिट किए, ठीक है। लोअर बहुत छोटा पार्ट हो जाता है, तब पता नहीं चलता इतना ज़्यादा उसके हिट होने का, पर हमने ऑलमोस्ट अपना शोल्डर और उसके आसपास की जितनी मसल हैं वो सब हिट करी हैं, तो हमारा आज का वर्कआउट हो जाता है शोल्डर एंड ट्रैप से जुड़ा हुआ, ठीक है। अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे आने वाले इसी तरह के वीडियो के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए हमारे हर वीडियो, और ना कुछ नया जरूर मिलेगा आपको वीडियो में, ठीक है। और अगर इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से। अब हमारा इस पर अगला वीडियो इसी पे आएगा, इसमें हम करेंगे ना बैक की एक्सरसाइज, ठीक है। और अगर आपने ये मेरा स्टार्टिंग वीडियो देखा है तो हमने इसमें चेस्ट का वर्कआउट और लेग्स का वर्कआउट भी किया है, आप चैनल में जाके जरूर देखिएगा, आपको हर तरह का वर्कआउट मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए।